स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ वेरीफाई करने हैं। इसमें दो केसेस हैं, उन्हें हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए पहला केस है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से ये होगा। वी नो दैट, आपको वैसे फॉर्मूला पता चल ही गया होगा क्योंकि इसमें एक्स क्यूब लग रहा है, तो इसमें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लगेगा एक बार। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये मैंने आपको बताया भी था। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई और थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं और वैसे लिखना चाहें तो हम वैसे लिख सकते हैं। ओके, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम इसको, हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसके इक्वल। तो हम इसको इधर लेके आते हैं, तो लेके आए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और x प्लस वाई। ओके, इजिकल्स टू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसे सीधा कर लूँ तो एक्स क्यूब इधर आ जाएगा प्लस वाई क्यूब इधर आ जाएगा, इजिकल्स टू में x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और x प्लस वाई। ओके, ऐसे हो जाएगा। इसमें इजी है और कुछ नहीं है। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू में, अब हमने इसमें एक कॉमन चीज देखी है, ये एक्स प्लस वाई हमारी कॉमन है। देखिए, इसमें भी एक्स प्लस वाई आ रहा है और इसमें भी एक्स प्लस वाई आ रहा है। अब हम इस पूरे ब्रैकेट में से एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले लेंगे। तो एक्स प्लस वाई लिया कॉमन हमने। ओके, तो एक्स प्लस वाई बाहर ले लिया और इसके बाद बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक तो निकाल लिया ना, उसके बाद होल स्क्वायर बचा। माइनस में क्या बचेगा हमारा, थ्री एक्स वाई बचेगा। ओके, तो आपको पता ही है जब एक्स प्लस वाई बाहर आ गया है तो माइनस थ्री एक्स वाई अंदर बचा। तो आगे करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स प्लस वाई तो बाहर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई। अब ये 2xy है और ये माइनस 3xy है, तो इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारा, माइनस xy बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, माइनस थ्री एक्स वाई है और टू एक्स वाई है, तो माइनस का सिग्नेचर तो आएगा ही और साथ में एक्स वाई बचा है तो वो आ जाएगा। अब इसे आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसे आगे लिख लो या पीछे लिख लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने एल एच एस इजिकल्स टू में आर एच एस प्रूव कर दिया है। ओके, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा सेम है, बस इसमें माइनस सिग्नेचर लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमारा सेकंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी सेम टू सेम तरीके से होगा। ओके, तो हम जानते हैं, पहले तो हमने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब देखा था, लेकिन इस बार हम एक्स माइनस वाई का होल क्यूब देखेंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। तो सेम टू सेम वही तरीका है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो यहीं रहने दो और इसे इधर लेके आते हैं। अब ऐसे करते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसे इधर लेके आएंगे और इसे इधर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो इसमें माइनस का साइन होगा। ओके,
अब इसमें माइनस का साइन होगा तो ये इधर जाएगा, तो माइनस का साइन और इसमें भी माइनस का साइन। अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा थ्री एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, ये हमारा बचा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो सेम ऐसे ही रहने ना। इसमें से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया हमने तो इसमें क्या बचा हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचा, और इसमें क्या बचा हमारा थ्री एक्स वाई बचा, तो थ्री एक्स वाई लिख लिया। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स माइनस वाई, और इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजिकल्स टू में एक्स माइनस वाई, तो सेम ऐसे ही रहना है तो एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहने दिया। अब माइनस टू एक्स वाई है और थ्री एक्स वाई है, तो दोनों सेम है, तो इसमें से हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा एक्स वाई बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दिया। ओके, अब आप क्वेश्चन में देखिए एक बार, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई हो गया। ओके, यानी कि हमारा पूरा पूरा सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की मदद से हम इसे कर सकते हैं, और ये भी हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन 9 में भी, क्वेश्चन 10 में भी काम आएगा। ओके, ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।